हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रक्तांचल वेब सीरीज के बारे में। ये वेब सीरीज आज ही रिलीज हुआ है और इसको अभी अभी मैंने देख के फिनिश किया है। तो आज बात करेंगे हम रक्तांचल वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में। रक्तांचल, ये वेब सीरीज ऐसी कहानी पे आधारित है जो 1980 के दशक में पूर्वांचल यानी कि उत्तर प्रदेश के दो बाहुबली एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। 80 का दशक पूर्वांचल, यहाँ सब सोचे थे कि खुद ही तोप है। किस वजह से जान के दुश्मन बन जाते, इसके लिए आपको ये वेब सीरीज एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि एक नॉर्मल लड़का किस तरीके से क्राइम के दलदल में फंसता चला जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अगर हम कैरेक्टर के बारे में बात करें तो वसीम खान का किरदार निभाया है निकेतन धीर ने, जो एक बाहुबली रहता है। और गुस्से में आएगा तब मजा आएगा। और विस्फोट हुआ पूर्वांचल, विजयवा का आदमी कोला मंडी में कब्जा जमाने पहुंच गया है। इसका जनाजा निकालूंगा आज मैं। मुझे निकेतन धीर की एक्टिंग ठीक ठाक लगी। और बात करें हम तो कांति प्रकाश झा ने विजय सिंह का कैरेक्टर निभाया है और उनकी एक्टिंग मुझे थोड़ा अच्छा लगा। साहेब सिंह की फटती है पुजारी सिंह से। दोस्तों, कहानी में कुछ कमी है तो कहीं कहीं आपको एक्शन भी देखने मिलेगा। और इसके गाने के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, गाने भी मुझे ठीक ठाक ही लगे हैं। अबे फटे निरोध के नतीजे जो ये फौज इकट्ठी की हो ना, पहले इनको खड़ा करना सिखा। आप लोगों को तो पता ही है अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसके कारण से आप लोग सब लोग घर पे ही बैठे होंगे, तो आप लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नया चीज मार्केट में आता है तो अच्छी चीज है। तो इसके चलते एमएक्स प्लेयर ने आप लोगों के लिए रक्तांचल वेब सीरीज लेके आया है, एक बार तो देखना बनता ही है ये वेब सीरीज को। और इसके रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इसको 10 में से 6 देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे में आप लोगों के लिए वेब सीरीज मूवी का रिव्यू लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।